का मेरे चैनल गुड फूड में स्वागत है। आज हम तहरी बनाएंगे। तहरी बनाने के लिए हमने 1 कप चावल लिए हैं। इसे हमने धोकर इसे साइड में रख लिए हैं। 1 फूलगोभी है जिसे हम बड़े बड़े पीस में काट लिए हैं। 2 आलू है जिसे हम बड़े बड़े पीस में काट लिए हैं। 2 4 बीन है जिसे हम इस तरह से लंबे आकार में काट लिए हैं। और 1 गाजर है, इसे भी हम लंबे आकार में काट लिए हैं। और 2 मीडियम साइज का प्याज है जिसे लंबे आकार में काट लिए हैं। और यहाँ 2 टमाटर मीडियम साइज के लिए हैं जिसे हम कट कर लिए हैं, बड़े बड़े पीस में काटे हैं। 3 हरा मिर्च है और 1 दालचीनी है, 2 छोटी इलायची, 2 3 लवंग है और 1 बड़ी इलायची है, 1 तेज पत्ता है, खड़ा जीरा है। और इसमें तो हल्दी का यूज नहीं किया जाता है लेकिन हम यहाँ पर करेंगे। और ये हल्दी है 1/2 टीस्पून से कम है, यानी 1/4 है। और ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है और 1/2 टीस्पून जिंजर है जिसे हम ग्रेट कर लिए हैं। और हम यहाँ रिफाइन ऑयल यूज करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक। तहरी बनाने के लिए सबसे पहले कुकर को गैस पर बैठा दी हूँ। कुकर मेरा गर्म हो चुका है और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, रिफाइन ऑयल डाल रहे हैं। और इसमें हम गर्म होने पर पहले सारे सब्जियों को तल के निकाल लेंगे कि गर्म हो चुका है। इसमें गोभी डालेंगे, आलू, बीन और 1 गाजर, सभी को हम इसमें डाल लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। थोड़ा सा नमक है बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसके अंदर सब्जियों में अच्छे से चला जाए। थोड़ा सा क्रंची होने तक हल्का सा भूनेंगे 1-2 मिनट। 2 मिनट पे हम इसे हल्का सा फ्राई किए और इसे निकाल लिए हैं। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालेंगे, यानी 3 4 चम्मच। तेल गर्म हो चुका है और इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे और 1 दालचीनी डालेंगे और 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और लवंग को डाल देंगे और 1 खड़ा जीरा जो लिए हैं उसे हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी लो रखेंगे। जीरा भून चुका है और इसमें हम अदरक का जो हम ग्रेट कर लिए हैं वो डालेंगे और लहसुन का पेस्ट उसे डाल देंगे। और थोड़ा सा क्रश किया हुआ गोलकी है, काली मिर्च जिसे कहते हैं वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। हरा मिर्च को डाल देंगे। अब ये प्याज को हम डाल देंगे और इसे थोड़ा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा, तब हम इसमें टमाटर मिलाएंगे। तहरी में आप एक मटर मिला सकते हैं, कोई भी मनपसंद सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो घर में उसे आप यूज कर सकते हैं। प्याज के कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें हम टमाटर मिला देंगे, ऐसे थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे और ये सारे मसाले को हम इसमें डाल देंगे।
धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी। आप चाहे तो हल्दी नहीं भी यूज कर सकते हैं। टमाटर मेरा सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा, और एक दो मिनट इसको भुने हुए हो गया है। अब इसमें हम चावल मिलाएंगे, जो हम 5 मिनट पहले इसे धोकर अलग रख लिए थे। मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं और ये अब सब सारी सब्जियों को हम डाल देंगे। अब मिक्स कर लेंगे। आप ग्लास से या कप से या मेजरमेंट कप से, जो जिस चीज से आप चावल ले रहे हैं उसका डेढ़िया इसमें पानी डालिए। हमने यहाँ 1 कप चावल लिया है तो हमने यहाँ 1.5 कप पानी इसमें डालेंगे। इसमें पानी डाल देंगे 1.5 कप। अब हम नमक मिला देंगे स्वाद के अनुसार। हमने थोड़ा सा सब्जी में नमक डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स कर देंगे। यह यूपी का फेमस रेसिपी है, उसका लीड हम लगाकर 1 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे। 1 सीटी के बाद इसे हम बंद कर देंगे। 1 सीटी मार चुका है और गैस का फ्लेम मीडियम था। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसका प्रेशर निकलने तक इसका इंतज़ार करेंगे। कुकर ठंडा हो गया है, देखते हैं। देखिए तहरी बनकर तैयार है। अभी थोड़ा ठंडा होने से ये एकदम बिल्कुल खिला खिला रहेगा। देखिए थोड़ा सा अभी चिपकता है, अभी बिल्कुल गर्म है, थोड़ा ठंडा होने पर ये बिल्कुल अलग अलग रहेगा। ठंडा होने देते हैं। हम सर्विंग बाउल में निकाल लिए हैं। तो मेरा ये तहरी बनकर तैयार हो गया है सर्व होने के लिए। हमने यहाँ पर बासमती चावल राइस इस्तेमाल किए हैं। यह बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। मुश्किल से 15 मिनट लगता है, सिर्फ प्रिपरेशन करने में समय लगता है, लेकिन बनाने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यह यूपी का प्रसिद्ध रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसे 1 पॉट मील भी कहा जाता है। यह अपने आप में परिपूर्ण है, इसके साथ और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसे बहुत है तो सलाद या रायता आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रायता बनाया है और उसी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमने रायता बनाया है और खीरे का सलाद बनाया है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।